हिंदू धर्म की पांच दिव्य कन्याओं का रहस्य। हिंदू धर्म में पांच ऐसी महिलाओं का जिक्र मिलता है जिन्हें विवाहित होने के बाद भी कुंवारी कन्याओं में गिना जाता है और इनकी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में कई देवियों और उनके अवतारों का वर्णन मिलता है। वहीं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो भले ही देवी न हो लेकिन मनुष्य रूप में भी बहुत दिव्य मानी जाती हैं। इसी कड़ी में आज हम हिंदू धर्म की दिव्य कन्याओं के बारे में बताया। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका संस्कारी मनुष्य में। यहाँ आपको हिंदू धर्म, कर्म और आस्था का अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में पांच ऐसी महिलाओं का वर्णन है जो विवाहित होकर भी कुंवारी गिनी जाती हैं। इन महिलाओं की पूजा करना बहुत शुभ है और जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। नंबर एक, कुंती। पांडवों की माता कुंती को ऋषि दुर्वासा से विवाह के बाद भी कुंवारी होने का आशीर्वाद मिला था। एक बार जब ऋषि दुर्वासा पांडवों की कुटिया में आए थे, तब कुंती ने उनकी बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को न सिर्फ कुंवारी बल्कि पूजे जाने का भी आशीर्वाद दिया। नंबर दो, मंदोदरी। मंदोदरी लंका के राजा रावण की पत्नी थी। रावण की पत्नी मंदोदरी को चिर कुमारी भी कहा जाता है। हालांकि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था और भगवान शिव ने ही मंदोदरी को रावण से विवाह का आशीर्वाद दिया था। महादेव ने मंदोदरी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें कुंवारी होने का वरदान भी दिया था। नंबर तीन, तारा। तारा समुद्र मंथन से निकली अप्सरा थी। तारा का विवाह वानरों के राजा बाली के साथ हुआ था। श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता निभाने के लिए छल से तारा के पति बाली का वध किया था। श्री राम ने छल से बाली का वध करने के बदले में दिया था रानी तारा को आजीवन कुंवारी रहने का आशीर्वाद। नंबर चार, द्रौपदी। शास्त्रों के अनुसार द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था। उन्हें याज्ञसेनी भी कहा जाता है। जब युधिष्ठिर द्यूत सभा में अपना राजपाठ अपने सारे भाइयों के बाद द्रौपदी को भी हार गए थे, तब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित करने की कोशिश की थी, लेकिन द्रौपदी के आवाहन पर श्री कृष्ण ने द्यूत सभा में द्रौपदी के सम्मान की कौरवों से रक्षा की थी। तब श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी को इस घटना के बाद कुंवारी कन्या होने का आशीर्वाद दिया था। नंबर पांच, देवी अहिल्या। देवी अहिल्या भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और महर्षि गौतम की पत्नी थी। इंद्र देव उन पर मोहित थे और छल से उनके साथ काम वासना करने पृथ्वी पर आए थे। इस बात से नाराज हो ऋषि गौतम ने इंद्र और देवी अहिल्या दोनों को ही श्राप दिया, जबकि गलती देवी अहिल्या की थी भी नहीं। देवी अहिल्या श्राप के बाद पत्थर की एक शिला बन गई थी, मगर श्री राम ने पत्थर बनी देवी अहिल्या को अपने चरणों के स्पर्श से श्राप मुक्त किया था। राम के पैरों के स्पर्श से उन्हें उनका स्वरूप वापस मिला। श्री राम ने ही देवी अहिल्या को उनके उच्च संस्कारों के कारण कुंवारी होने का वरदान दिया था। तो ये हैं हिंदू धर्म की वो शुभ और दिव्य कन्याएं जिनकी पूजा मानी जाती है बहुत लाभकारी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ दी गई जानकारी से अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।